के पास रहने वाले 3 वर्ष का मासूम बालक सिर में तीर घुसने के कारण घायल हो गया था। तीर को स्थानीय अस्पताल में निकलने की कोशिश में लकड़ी का हत्था टूट गया। सिर की हड्डी में धंसा होने की वजह से तीर नहीं निकल पाया। गंभीर हालत को देखते हुए बच्चे को IMY अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि एक्सरे एवं सीटी स्कैन की जांच से मालूम हुआ कि तीर लगभग 4 इंच सिर के अंदर घुसा हुआ है। तीर का जरा सा हिलने से ब्रेन की बड़ी खून की नसों को नुकसान पहुंचने एवं अत्यधिक रक्तस्राव के कारण बच्चे की जान जाने का डर था। हर परिस्थिति से निपटने की तैयारियों के साथ उक्त बच्चे का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर राकेश गुप्ता एवं डॉक्टर जफर शेख की टीम द्वारा लगभग 1.5 घंटे चले ऑपरेशन में सुरक्षित तरीके से तीर को निकाला गया। इस ऑपरेशन में निश्चेतना विभाग के डॉक्टर रश्मि पाल, डॉक्टर रशपाल का सराहनीय सहयोग रहा। नहीं, हमारा जो अलीरामपुर से बच्चा आया था, तो हमारे जो पीडियाट्रिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी की जो टीम, दोनों टीमें हैं, दोनों ने उसको देखा। और चूंकि उसको जो सिर में तीर लगा था वो गहराई में भी गया था, तो उसकी पूरी जांचें कराकर उसको भर्ती, मतलब उसको भर्ती करने के बाद उसकी सारी जांचें कराई गई और उसको ऑपरेट किया गया। और ये बहुत अच्छी खबर है कि वो रिकवर कर रहा है बहुत अच्छे से। बहुत सुखद खबर है कि जो उसके मस्तिष्क के अंदर भी तीर का जो टुकड़ा जो अंदरूनी हिस्सा वहाँ तक पहुँचा था, तो उसको देखते हुए, उसके खतरे को देखते हुए हमारे डॉक्टरों द्वारा बहुत ही मतलब सराहनीय काम किया गया है। और MI वैसे भी इस तरह के काम करता रहता है, जो बहुत ही जटिल ऑपरेशन होते हैं, इस तरह की दिक्कतें वाले जो ऑपरेशन होते हैं, ये हमारे जो विभिन्न चिकित्सक हैं, विभिन्न विभागों के, वो करते रहते हैं। और मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने इतने अच्छे से काम किया है उसमें। और वो उसको हमारी पूरी तैयारी है, हमारे पास नहीं आया मरीज, हमारे पास जो मरीज आएंगे उसके लिए हमारा पूरा वार्ड तैयार है, आइसोलेशन। कुछ मतलब कितने वार्ड्स जो हैं ऐसे कोरोना का, जो कभी ऐसे कोई आते हैं तो इनके लिए कोई स्पेसिफिक जगह? देखिए, स्वाइन फ्लू के लिए और चाहे कोरोना हो, दोनों के लिए जो हमारा रेस्पिरेटरी वार्ड का जो आइसोलेशन वार्ड है वही रहेगा। आप उसको कोरोना वायरस बोले, स्वाइन फ्लू वायरस बोले, उनका अल्टीमेटली वायरस का इफेक्ट वही रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है, तो ये भर्ती वहाँ पर होते हैं। तो उसके लिए एक पूरा आइसोलेशन वार्ड वहाँ पर बना दिया गया है सेपरेट, और जब भी ये मरीज आएंगे तो उनको हम पूरा भर्ती करने के लिए तैयार है। इनमें से कोई भी मरीज आता है तो उसके लिए हमारे ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि 2 संदिग्ध मरीज आए थे, तो उनको भर्ती किया गया और उनके सैंपल भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई, तो कल उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। क्योंकि गाइडलाइंस केंद्र सरकार तय कर रही है, जो वहाँ से जो गाइडलाइंस आती है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो गाइडलाइंस है वो ये बोल रहे हैं कि जो भी वुहान से आएगा उसका सैंपल लिया जाना आवश्यक है। उसके अलावा अगर चीन के किसी अन्य इलाके से कोई आ रहा है तो उसमें अगर उसमें सिम्टम्स होंगे तभी उसका सैंपल लेना है। तो इसलिए मैंने अपील जारी की थी, मतलब मीडिया के माध्यम से जारी की मैंने, तो सोशल मीडिया पर भी अपील जारी की थी, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार आपके घर में बच्चा आया और आपको लगता है कि वो किसी को खबर नहीं लगे, आप वो समझ नहीं पा रहे परिवार वाले कि आप उनको, मतलब उस बच्चे को भी खतरा है, उन परिजनों को भी खतरा है, और आसपास के जो लोग हैं वो जो उनके उसके एक्सपोजर में आएंगे उनको भी खतरा है। इसलिए उसकी जानकारी CMHO कार्यालय को दे, अगर आप इंदौर में तो CMHO कार्यालय इंदौर, अगर आप दूसरे अन्य जिले में हैं तो वहाँ के जो CMHO है उनको जानकारी दें, जिससे कि उसका होम आइसोलेशन करके उसको होम रेस्ट में रख के उसको मास्क, क्योंकि उसको मास्क लगाया जाना जरूरी है, उसके साथ जो उसके संपर्क में आ रहे हैं वो भी मास्क लगा के उससे बात करें, कम से कम 6 फुट की दूरी से बात करें। तो इससे क्या होगा कि हम फैलाव रोक पाएंगे। हम अभी तक सफल जो हो पा रहे हैं वो इसलिए हो पा रहे हैं कि अभी हमने कोशिश ये की है, इनका प्रॉपर ढंग से होम आइसोलेशन किया है, जब तक कि उनमें गंभीर बीमारी के लक्षण पैदा ना हो। अभी तक इंदौर या मध्य प्रदेश में अपन बोल रहे हैं, खासतौर पर इंदौर जन डिवीजन देख लें, तो अभी गंभीर बीमारी लक्षण वाला कोई भी मरीज अभी सामने नहीं आया है, कोरोना वायरस का पॉजिटिव मरीज अभी सामने नहीं आया है। जब आएगा तो उसके उस हिसाब से हम उसकी प्लानिंग पूरी तैयार है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, चाहे वो हमारा रेस्पिरेटरी मेडिसिन हो, चाहे मेडिसिन विभाग हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी हो, और हम अपने जो अधिष्ठाता महोदय है और कमिश्नर साहब के निर्देशन में हम पूरा ये काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें गाइडलाइंस मिलती जाएंगी उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हमारी मेरी सबसे अपील ये है कि अगर आपके 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 घर में, आपके आसपास कोई भी चीन से लौट के आया हो 15 जनवरी के बाद, तो उसकी सूचना CMHO कार्यालय में जरूर दें, जिससे कि उसको काउंसलिंग करके उसका प्रॉपर ढंग से उसको आइसोलेशन या जो भी उसके सैंपल लिए जाने नहीं लिए जाने वो तय किया जा सके, और हम बाकी जनता को उससे बचा सकें।